नमस्कार, मैं उर्वशी डाइट देना उन्ना से। आज हम GHS भटोली में आए हैं ये जानने के लिए कि यूथ एंड इको क्लब की जो प्लांट है उसका सही से यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है। हमें गाइड करेंगे यहाँ के नोडल ऑफिसर यूथ एंड इको क्लब के श्री विनय शर्मा जी। तो सर बताइए। सबसे पहले, जैसे ये जगह बिल्कुल बेकार और खाली पड़ी थी, हमने यहाँ पे किचन गार्डन का प्रावधान किया और इसके लिए हमने एक लोहे की रेलिंग का भी प्रावधान किया। बीच में छोटे पेड़ लगाए हैं, ज़्यादा बड़े ना हो, जो नींबू और आम लेके साथ में हमने जो किचन गार्डन में सब्जी थोड़ी बहुत लगाई जा सकती है वो लगाई है, और गमले लगाने की कोशिश की गई है। अलग अलग तरह के फूल बच्चों को मोटिवेट किया है कि वो लाएं, जैसे ये पारिजात का पौधा, हाँ जी, इसके साथ नेम प्लेट लगाई है जिससे बच्चों को पता भी चलता रहे। इसके बहुत ही औषधीय गुणों वाला पौधा है। इसके अतिरिक्त ये हमारे डेकोरेटिव अशोका के पेड़ हैं और गमले हैं बहुत सारे। ये गुलमोहर और होटल ब्रश डेकोरेटिव है दोनों, और साथ में और छोटे छोटे डेकोरेटिव प्लांट लगाए हैं। ज़्यादातर हमारे प्लांट कामयाब ही हुए हैं क्योंकि बच्चे मोटिवेटेड हैं, केयर करते हैं इनकी। ये जो क्यारियाँ बनाई हैं इसमें डालने के लिए मिट्टी नहीं थी हमारे पास, तो मिट्टी के लिए हमने वहाँ पर रेन वाटर रिचार्ज पेट बनाया, जो हमारी छतों से पानी उतरता है उसको हम रिचार्ज करने के लिए ज़मीन में दोबारा से। तो बच्चों को देखने के लिए एक साइंस का मॉडल भी बन गया है। उसी से निकली हुई मिट्टी जो है वो हमने रेन वाटर रिचार्ज किट है। ये छतों से जो पानी है हमारा इसी के बीच में जा रहा है, तो बच्चे जागरूक भी हो रहे हैं इससे पर्यावरण के प्रति, और पता लग रहा है कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है जी। ये पौधा किस चीज़ का है? ये आड़ू, आड़ू ये दोनों पौधे गावरी में हुई है। हाँ जी, बसंत ऋतु बहुत सुंदर। तीसरा वर्मी कंपोस्ट पेट के बीच और बेड वगैरह भी अभी है। ये जो पक्का देख रहे हैं आप, ये तीन साल अभी, ये भी दो अभी, ये सारा लगभग पिछले दो साल में ही है। और ये जो फ्लावर बेड्स हैं ये ज़्यादातर, ये पेड़ हमने 15 अगस्त को पीछे लगाए थे, तो ये जो सारे ये लॉकडाउन का है। लॉकडाउन में कौन आता था फिर? आप आते हैं और बच्चे बच्चे भी आते हैं? नहीं बच्चे नहीं जी, फिर डरते रहे क्योंकि हमने तो हम तो योग कराते हैं, हमने बंद रखा। अभी भी पेरेंट्स का बहुत प्रेशर है। अच्छा, कराओ शुरू की कराओ, पर हम डर रहे हैं कि फिर कोई साथ नहीं देगा अगर किसी को कुछ हुआ तो। नहीं चलो, अब आप इतना सर एक्टिविटी आपसे बोला था कि बच्चों को पता नहीं चलता। जी आप केंचुए वगैरह आप कब डालेंगे? जी अभी हमने केंचुए इसलिए नहीं डाले कि स्कूल बंद थे, क्योंकि उनको रेगुलर वो चाहिए, केयर चाहिए, पानी लगातार। किसी डिपार्टमेंट से हुई आपके वो बात हुई है? तो कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर मैडम उनको KVK डॉक्टर साहब का नंबर दे दूँगा। यहाँ तो बना ही है, यहाँ आके आप जरा सा गाइड कर दो। बहुत अच्छा, हमारे पास बहुत सारा प्लांट वेस्ट है। प्लांट वेस्ट पत्ते बरगद के बहुत है, इसका हम इसका यूज कर रहे हैं। तो दूसरा, ये पानी बाहर जाता था, हमने सोप पेट में इसको डाल दिया और हमने देखा कि ये वर्किंग है। चाहे छोटा सा हमने बनाया ना, ये भरा और पानी की एक बूंद लिया बाहर। मैडम हो गए आप, मुझे शास्त्री मैडम हो गए। तीन पहले भी तीन ही थे जी, पहले वो सारे रिटायर हो गए। ये पानी, ये पूरा ग्राउंड का पानी इधर से? नहीं नहीं जी, ये नलके का पानी। अच्छा, नलके का पानी इसमें आएगा? इसमें ये ऐसे बाहर जाता था जी। ओके, और फिर ये पानी कहाँ जाएगा? ये कहीं नहीं जाता, जमीन में चला जाता है। अच्छा, हाँ जी। और ये वर्किंग है सर, ये मतलब आप नलका छोड़ दो अभी, आप इसमें 10 बाल्टियाँ फेंक दो चाहे। अच्छा, हाँ दिख रहे हैं ना वो पानी पानी की। हाँ जी, दिख रही है। जैसे अभी इलेक्शन था, ये चलता रहा नंबर, काफ़ी लोगों ने यूज़ किया इसको, तो पानी के बीच में ही हो जाता है। जैसे नीचे कच्चा है, हमने इसमें वही डाले हैं सारा, ना ग्रेवल ही डाला है। ठीक है, ये ऐसे बीच में फेंक दिया कुछ सामान, क्योंकि हम